मानव विकास और भौतिक प्रगति का प्रमुख आधार है खनिज संसाधन। औद्योगिक विकास एवं रोजगार में अहम भूमिका निभाते हैं हमारे खनिज संसाधन। प्रदेश में खनिजों की खोज एवं नियमन के कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा संपादित की जाती है। अवैध खनन एवं परिवहन पर रोक लगाते हुए दृढ़ एवं दूरदर्शिता के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं कुशल नेतृत्व में सतत विकास की ओर अग्रसर है हमारा उत्तर प्रदेश। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा सुशासन एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के मूल मंत्रों पर आधारित खनन नीति 2017 में लागू की गई। उपखनिजों के पट्टा आवंटन के लिए ई निविदा सह ई नीलामी की कार्यवाही प्रारंभ की गई। तत्पश्चात खनन पट्टा क्षेत्रों से उपखनिजों के परिवहन हेतु मुद्रित परिवहन प्रपत्र के स्थान पर अगस्त 2017 से EMM 11 निर्गत करने की व्यवस्था की गई है। तदोपरांत फरवरी 2020 से प्रदेश के अंदर परिवहन हेतु ISTP अंतरराज्यीय ट्रांसिट पास लागू किया गया। जुलाई 2020 से भंडारण स्थल से परिवहन हेतु ई फॉर्म सी की व्यवस्था प्रारंभ की गई। जून 2020 से खनन पट्टा धारकों की सुविधा के दृष्टिगत किश्तों को ऑनलाइन जमा करने की सुविधा प्रारंभ की गई। कार्यदायी संस्थाओं में प्रयुक्त परिवहन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन की सुविधा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उक्त प्रक्रिया को गतिशील बनाने के उद्देश्य से यूपी मिनरल्स रूल 2018 प्रख्यापित किया गया, जिसके अनुसार नई खनन व्यवस्था के लागू होने से अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण जैसी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए लीव तैयार हुई। विभाग द्वारा खनन आधारित समस्त सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से जन सामान्य तक पहुंचाने हेतु तीव्र, पारदर्शी, सरल एवं एकीकृत माइन मित्रा पोर्टल को विकसित किया गया। माइन मित्रा पोर्टल के मुख्यतः चार अवयव हैं। पहला, ऑनलाइन मिनरल मैनेजमेंट। दूसरा, ऑनलाइन सिटीजन सर्विसेज। तीसरा, इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस सिस्टम। और चौथा, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन मिनरल मैनेजमेंट के अंतर्गत खनिज परिवहन हेतु EMM 11 ट्रांजिट पास ISTP स्टॉकिस ट्रांजिट पास जारी किए जाने का प्राविधान है। खनिज विभाग द्वारा खनिज परिहार नियमावली 1963 का नवीन संस्करण उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली 2021 प्रख्यापित किया गया। ऑनलाइन सिटीजन सर्विसेज के माध्यम से जन सामान्य को पंजीकरण, परमिट, लीज, लाइसेंस एवं अन्य खनन संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिनमें से कुछ मुख्यतः कृषि भूमि से निजी उपयोग हेतु साधारण मिट्टी की खुदाई किसानों द्वारा, 100 घन मीटर से कम खनिज भंडार हेतु फुटकर विक्रेता के स्वयं पंजीकरण की सुविधा, कृषि भूमि में उपलब्ध बालू मोरम हेतु खनन परमिट, भवन विकास परियोजना से निकले उपखनिजों के निस्तारण की ऑनलाइन व्यवस्था, ईट उद्योग हेतु रॉयल्टी शुल्क के ऑनलाइन जमा करने की सुविधा, पट्टा धारक द्वारा मासिक किश्तों को ऑनलाइन जमा करने की सुविधा। मैं आपको बता दूं, जैसा कि हम लोग पुरानी परिस्थितियों में थे, हम लोगों को बड़ी परेशानियां होती थी आवेदन के लिए, और अब सरकार ने जब से हम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी सुविधा उपलब्ध की है माइनिंग प्लान की, माइन मिंत्रा, इसमें माइनिंग प्लान और खनन आवेदन सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, जिससे हम लोगों को बड़ी आसानियां हो गई हैं और शहर में इसकी वजह से काम तेज़ी से होने लगे हैं। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा आपको कि खनन योजना में माइनिंग प्लान बनते हैं वो भी ऑनलाइन बन जाते हैं, आवेदन ऑनलाइन हो जाता है, और जो पैसा जमा होना होता है सरकारी विभाग में वो भी ऑनलाइन जमा हो जाता है। तो हम लोगों को पहले से बड़ी आसानियाँ हो गई हैं, तो इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं इस माइन मिंत्रा से। इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस सिस्टम के अंतर्गत जियो फेंसिंग, PTZ कैमरा एट माइंस, वेब्रिज एट माइंस, माइन टैग इन मिनरल कैरिंग व्हीकल्स, एमचेक ऐप, हैंडहेल्ड रीडर विद एमचेक ऐप, चेक गेट, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, कमांड सेंटर निहित है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, खनन निदेशालय द्वारा उपखनिजों के ऑनलाइन बिक्री हेतु यूपी मिनरल मार्ट नामक एक कॉमन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है, जिसमें खनिजों की खरीद हेतु क्रेता बायर सीधे सप्लायर से संपर्क स्थापित कर सकता है।
इस पोर्टल पर जनपदवार ट्रांसपोर्टरों की भी सूची उपलब्ध है, जिससे उपभोक्ता आसानी से उपखनिजों के परिवहन की सुविधा प्राप्त कर सकता है। प्रदेश के जन सामान्य को साधारण मिट्टी की उपलब्धता सुगम बनाए जाने हेतु मिट्टी पर ली जाने वाली रॉयल्टी को समाप्त किया गया। वहीं ईंट उद्योग के लिए रॉयल्टी समाप्त किए जाने से ईंट उद्योग के लिए पर्यावरण अनापत्ति स्वच्छता प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त हो गई है। इसी प्रकार खनिज से संबंधित विभिन्न सेवाएं जैसे लीज, लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन आवेदन स्वीकृति की प्रक्रिया लागू किए जाने से पारदर्शिता के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा मिला है। अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने हेतु इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस सिस्टम को विकसित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के 7 जनपदों में राष्ट्रीय राजकीय राजमार्ग पर 10 खनन चेक गेट स्थापित किए गए हैं। चेक गेट मानव रहित स्वचालित IoT एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर आधारित व्यवस्था है, जिसका उपयोग कर खनिज परिवहन से संबद्ध वाहनों की निरंतर निगरानी की जाती है। इसके माध्यम से विभाग अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने में सफल रहा है। खनिज परिवहन में लगे वाहनों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस माइन टैग लगाया गया है, जिससे कि वाहन के चेक गेट से गुजरते ही वाहनों से संबंधित समस्त आंकड़े AI डिवाइस के माध्यम से निदेशालय में स्थापित यूनिफाइड रेवेन्यू कमांड सेंटर में तत्काल सूचना उपलब्ध हो जाती है। उत्तर प्रदेश में अब तक 54,000 वाहनों पे माइन टैग स्थापित किया जा चुका है। चेक गेट से प्राप्त आंकड़ों का सुव्यवस्थित रूप में अवलोकन, रिपोर्ट्स एवं खनन निदेशालय के त्वरित एवं प्रभावी निर्णय लेने के उद्देश्य से ऑनलाइन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का विकास किया गया है, जिससे अपने जिले के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन खनन संबंधित सभी गतिविधियों पर नजर रख सकता है। खनिज परिवहन प्रपत्रों की वैधानिकता की जांच के लिए विभाग द्वारा M-Check मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। प्रदेश के समस्त जनपदों को M-Check युक्त RFID हैंडहेल्ड रीडर दिए गए हैं, जिससे विभागीय अधिकारी सुगमता से कहीं भी खनिज वाहनों की जांच कर सकेंगे। गाड़ी आपने ऑटोमेटिक चेक गेट से देखे हैं, उस चेक गेट से जो होके आती है, इन दोनों रोगों के उसके माध्यम से ही आगे जा सकती है, बिना इसके नहीं निकल सकती है। तो उनकी भी उनका पेपर क्या है, कि उनका सही है, डॉक्यूमेंट सही है नहीं है, वो सारा भी यहीं पर चेक हो जाता है। यहाँ पर एक डिवाइस है, स्कैनर रखा हुआ है, उसके आर स्कैन कर लेते हैं, हमारे लैपटॉप पर डिटेल आ जाता है उसका ट्रांजिट पास का क्या क्या है, रास्ते में जो चेकिंग करनी होती है अपना हैंडहेल्ड स्कैनर से स्कैन करके देख लेते हैं। खनन विभाग के इस अभिनव पहल से समस्त नागरिकों, किसानों, ट्रांसपोर्टरों, पट्टा धारकों एवं उपभोक्ताओं को तीव्र, पारदर्शी, सरल एवं एकीकृत सिंगल विंडो माइन मिंत्रा पोर्टल के माध्यम से प्रदेश सरकार खनन से संबंधित सुविधाएं आसानी से जन सामान्य तक पहुंचाने में सफल रही है, जिसके माध्यम से वैधानिक खनन प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है एवं अवैध खनन गतिविधियों में आशातीत कमी आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल निर्देशन में क्लीनर एंड ग्रीनर माइनिंग के सपने को साकार किया है। समृद्धि एवं सतत विकास की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश।